और अब खबर पानीपत से है, जहां पे सांसद कार्तिकेय शर्मा ने न्योता दिया है और परशुराम जयंती समारोह का न्योता सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा दिया गया। 36 बिरादरी को सांसद कार्तिकेय शर्मा ने न्योता दिया है। सांसद कार्तिकेय शर्मा का इस दौरान जोरदार स्वागत भी हुआ है। भगवान परशुराम जयंती समारोह में रिकॉर्ड टूटेगा, ये बात सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कही। नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात भी सांसद के द्वारा कही गई। परशुराम जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर के न्योता दिया गया है सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा। और पानीपत में आपको बता दें कि सांसद कार्तिकेय शर्मा ने करनाल में हो रहे राज्य स्तरीय परशुराम जयंती का न्योता लोगों को दिया है। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि भगवान परशुराम किसी एक बिरादरी के नहीं बल्कि 36 बिरादरी के भगवान। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम जयंती रिकॉर्ड तोड़ेगी। लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि देश ने अपना मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी के रूप में तीसरी बार प्रधानमंत्री को वो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को उनके 10 साल के कार्यकाल पर लोग वोट देंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा, बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट काफी पहले ही जारी कर दी, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट को बहुत देर से जारी किया। भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। ना तो मैं मुख्य अतिथि के तौर आपके बीच में आया हूँ, ना मैं सांसद के हैसियत से आया हूँ, मैं तो आपके भाई और बेटे के हिसाब से आपके बीच में आया। यहाँ सारे मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई भी हैं, सब हैं। तो मैं तो आपके प्यार और आशीर्वाद से आया हूँ। ना मैंने चुनाव लड़ना है यहाँ से, ना मैं चुनाव लड़ने आया हूँ, ना मैं वोट मांगने आया हूँ, मैं तो आपका प्यार लेने आया हूँ। तो मेरा नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बात कर रहा हूं। तो मैं सबका, पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जो अपना समय निकाल के आए हैं। भाई सतीश का, मेरे बड़े बुजुर्ग सम्मानित मंच, जितने भी यहां पे लोग इतनी देर से वेट कर रहे हैं, इतनी गर्मी में छोटी सी कॉल पे आप सब आ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मान सम्मान इतना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आने का जी मुख्य उद्देश्य आज का है, भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम आने वाली 5 तारीख को करनाल में पुरानी सब्जी मंडी में किया जा रहा है। और पंडित विनोद शर्मा जी के आदेश पर मैं आपको न्योता देने आया हूँ। देखो, मैं जब मैं जीवन में आ रहा था, बात कही मुझे, उन्होंने कहा कि अगर आप गरीब आदमी की मदद नहीं कर सकते, अगर आप अपने समाज की मदद नहीं कर सकते, तो राजनीति में मत आओ, बेकार है राजनीति में आना। तो जिन मूल सिद्धांतों पर पंडित विनोद शर्मा जी ने अपना जीवन जिया है, जिस रास्ते पे उन्होंने अपना जीवन जिया, मैं भी उसी अपना जीवन, मैं आपको इस बात की तस्दीक करके जाता हूँ, आपको आश्वासन देके जाता हूँ कि मैंने भी उसी जीवन तरीके से अपनी जीवन और शैली जीने का फैसला किया है। पर मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ, आपके बीच में रखना चाहता हूँ, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं यहाँ पर, मेरे युवा भाई भी बैठे हैं, हमें सोचना पड़ेगा, हमें फैसला करना पड़ेगा, हमें शोध भी करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि ये परिस्थिति आज समाज की, क्या कारण है कि इस वजह से हम ज्यादा नहीं मांगते, हमें ज्यादा नहीं चाहिए पर कम नहीं लेंगे, हम दूसरे का हक नहीं मांगते पर अपना नहीं छोड़ेंगे। पर लोकतंत्र में सिरों की गिनती होती है, तो जब सही समय आता है तो हमें अपनी गिनती करानी, दर्ज करानी जरूरी है। और ये जरूरी है कि लोकतंत्र में हमारी भी बात रखी जाए, हमारी भी बात सुनी जाए। सुनने वाले तैयार है सुनने को, कोई बोलने वाला होना चाहिए। जब मैंने परशुराम महाकुंभ के लिए जगह जगह अलग अलग जिलों में जाना शुरू किया, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि समाज में नाराजगी है, कई विषयों को लेकर नाराजगी है। तो मैंने समाज की नाराजगी समझने की कोशिश की, मैंने जानने की कोशिश की क्या विजय है, क्या विषय है, तो पता चला कि समाज की जो बातें हैं वो किसी तरीके से सही जगह पे नहीं रखी गई हैं, इसलिए उनमें से कुछ
किसी भी समस्या का निदान नहीं हो रहा। मैंने प्रयास किया अपनी तरफ से कि मैं मुख्यमंत्री जी के आगे अपनी बात रखूं, समाज की बात रखूं। परशुराम महाकुंभ जो किया आयोजन, उसमें 13 डिमांड हमने रखी थी उनके सामने, जिनमें से उन्होंने 10 मानने का काम किया। तो मेरी ये सोच है कि समाज को आगे बढ़ना है, कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में हो, समाज को आगे बढ़ना चाहिए। ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, समाज की बात है। रही बात युवाओं की, तो मैं ये बात जरूर करना चाहता हूं, हम दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी 75% आबादी, 60% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र के लोगों की है, यानी कि हम दुनिया का सबसे युवा देश है। तो जाहिर सी बात है कि जब सबसे युवा देश है तो सबसे बड़ा धड़ा भी युवा है। तो युवा की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है, हमारा दायित्व है। और युवाओं की क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उसके ऊपर भी मैं हमेशा काम करता रहूंगा, काम कर रहा हूं और काम करूंगा। जब मेरे संज्ञान में ये बात आई, जो पौधा पंडित विनोद शर्मा जी ने लगाया था ईपीपीजी का, उसमें से कई बच्चे, लगभग 800 बच्चों की नियुक्ति नहीं हुई किसी कारणों की वजह से। जब ईडब्ल्यूएस में सम्मिलित हुआ तो उनकी नियुक्ति रुक गई। वे बच्चे आए मेरे पास, मैंने उनकी बात रखी सही पटल पे, और मुझे खुशी है आज कहने में कि लगभग उसमें से 600 बच्चों की बहाली हो चुकी है। सिर्फ 200 बच्चे बचे हैं और हम लोग प्रयासरत हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द, हो सकता है कि 5 तारीख से पहले भी हो जाए, नहीं तो उन 200 बच्चों की जब तक नियुक्ति नहीं होगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरा बीड़ा है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको बाबू जी की एक बात और बताना चाहता हूं। आप सबों ने बड़े हैं आशीर्वाद दिया, पद की कामना की, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये पद तो आना जाना है, ये पद परमानेंट नहीं है, अभी है कभी नहीं है। बाबू जी ने एक उदाहरण हमारे सामने रखा है, विनोद शर्मा जी ने एक उदाहरण रखा है कि पद मायने नहीं रखता, पद की कोई वैल्यू नहीं है। एक MLA थे, पर कानून का संशोधन करा दिया, आरक्षण दिला दिया, कोई लाठी नहीं चली, कोई गोली नहीं चली, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, पर आरक्षण मिला। आदमी की नीयत साफ होनी चाहिए, पद तो आनी जानी चीज है, पद का कोई इतना इस दरकार नहीं है, ना मुझे है ना विनोद शर्मा जी को। लेकिन आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, अपनी बात सक्षम तरीके से रखने के लिए सिस्टम का हिस्सा होना पड़ेगा। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये देश का चुनाव है, और देश का चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, और देश के अंदर हमारे पास एक सशक्त नेतृत्व है नरेंद्र मोदी के अंदर, हमें उनका साथ देना चाहिए, तीसरी बार जिताना चाहिए, ताकि आगे जाकर भी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी अगले 5 साल में देश को आगे ले जाने का काम करे। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, आप लोगों को एक फैसला करना पड़ेगा। चुनाव के अंदर आपकी वोट आपका अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है। आप सोचिए, समझिए, सारे चीजों का आकलन करिए, आकलन करने के बाद आपको जो सही लगे वो करिए। लेकिन किन बिंदुओं को देखना है, किन चीजों को देखना है, आप समझदार हैं। मैं भगवान परशुराम जी की एक बात करना चाहता हूं। भगवान परशुराम जी का मैं न्योता सिर्फ ब्राह्मण समाज को नहीं, 36 बिरादरी को देना चाहता हूं, क्योंकि सिर्फ हमारे भगवान नहीं, 36 बिरादरी के भगवान है, लेकिन हम उनके वंशज हैं। उनकी पैरोकारी करना, उनकी सीख को आगे बढ़ाना, जो शिक्षा उन्होंने हमें दी है उसको आगे ले जाना, अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं 36 बिरादरी को भी न्योता देता हूं कि वो आए, भगवान परशुराम जो उनके भी भगवान है उसके अंदर सम्मिलित हुए, उसका साथ दें। लेकिन आप लोगों की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है समाज की कि लोगों को जागरूक करें भगवान परशुराम जी के प्रति, उनके प्रति जो संवेदना है उसको बढ़ाने का काम करें। मैं अपने चुनाव का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जब मैं राज्यसभा का चुनाव लड़ा तो मुझे 36 बिरादरी ने वोट दी, सब ने वोट दी, सारी पार्टियों ने वोट दी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर तो सरमस्ता का बहुत अच्छा उदाहरण है, सद्भावना का बहुत अच्छा उदाहरण है, और ब्राह्मण समाज ने 1947 से लेकर, आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक हमेशा आगे बढ़ चढ़ के देश के नव निर्माण में अपना योगदान दिया है। चाहे वो आजादी की लड़ाई रही हो, चाहे वो किसी भी तरीका का योगदान हो देश के नव निर्माण के अंदर, हमेशा
हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा दिया जी की।